नमस्कार दोस्तों, मूड्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कुंदे का पेड़ा। पेड़ा एक बहुत अच्छी मिठाई होती है। चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन स्पेशल मैं बनाऊंगी आज कुंदे का पेड़ा। देखिए, बहुत कम सामान में और इतना अच्छा पेड़ा बन जाता है कि अब क्या क्या लगेगा उसमें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा 500 ग्राम मावा है, ये मेरा घर का बना मावा है, और ये 250 ग्राम शुगर है। शुगर आप ज्यादा भी ले सकते हैं। शुगर हमको 400 लेना था, लेकिन हम लोग कम शुगर उपयोग करेंगे, कम शक्कर खाते हैं इसलिए कम डालेंगे। और थोड़ा सा पानी लगेगा उसके लिए, शीरा बनाने के लिए, चाशनी के लिए, शुगर सिरप के लिए, और ये इलायची पाउडर। बस इतने से सामान में देखिए इतना अच्छा पेड़ा तैयार हो जाएगा कुंदे का, कि हम लोग उसको कुंदे का पेड़ा बोलते हैं। अब आप खाएंगे, बनाएंगे, बहुत आनंद और मजा आएगा। अब शुगर को हम इसमें डालेंगे और पानी एक कप हमने लिया है, पर इतना नहीं डालना है हमें। बस शक्कर हमारी पूरी भीग जानी चाहिए, बस इतना ही पानी हम लेंगे। आधा कप ही पानी हमने यूज किया है। मावा को हमने भून लिया है, पहले से ही हमने भून के इसको रख लिया है। मावा को थोड़ा भून लेने में थोड़ी सी घी डालिए, आधी चम्मच, और उसमें भूनिए। और तो भून के हमने इसको पहले से ही रख लिया है। ये ब्राउन हो गया है मावा मेरा, भून के रखा हुआ मावा। इसको ये शुगर सिरप को चलाते जाना है, और हमको लगभग दो तार की चाशनी जैसे बनाना है। फिर इसमें हम मावा डाल के और उसको अच्छा घोटेंगे। तब तक हमें उसको चलाना है, घोटना है, जब तक वो जमने की स्थिति में ना आ जाए। देखिए अब इसमें ये तार बनने लगा मेरा, हमने टेस्ट कर लिया, ये तार बनने लगा। अब इसमें हम खोआ को डालेंगे, खोआ को डाल के ऐसे चलाते जाएंगे। देखिए इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच इलायची पाउडर है टेस्ट के हिसाब से, उसको हम ऐड करेंगे। और हमें इसको चलाते ही रहना है। देखिए अब ये गाढ़ी होके इसका डो बन जाएगा। डो बनने के बाद हम इसको पेड़ा बनाएंगे। अब हम इसको गैस को बंद करके थोड़ी देर इसमें ऐसे चलाते रहेंगे। नीचे इसको हम जितना फेटेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। ये फेटना ही इसका मेन है कुंदे के पेड़े में। तो हम घी हाथ में लगा लेंगे और अंगूठे से इसको ऐसे दबा देंगे। ये कुंदे का पेड़ा मेरा ऐसे बनके तैयार हो जाएगा। और अंगूठे से हमें इसको ऐसे दबाना है, ऐसा इसका आकार ऐसा होना चाहिए। थोड़ा और ठंडा होगा तो बहुत अच्छा इसका शेप बनके तैयार हो जाएगा। मैं नारियल के बुरादे से इसको, घर में ग्रेटेड किया हुआ नारियल है, इसको हम इसको गार्निश कर देंगे। यदि ये टू द टेस्ट है, आप अपना करना चाहे तो, और मेवा कटर डालना चाहे तो डाल दीजिए, अन्यथा इसका टेस्ट खाली ऐसे ही बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, मेरा ये पेड़ा शानदार कुंदे का पेड़ा बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको बनाइए, खाइए, रक्षाबंधन स्पेशल है, अपने भाइयों को खिलाइए, परिवार को खिलाइए। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, और मतलब इतना अच्छी मिठाई है ये, बहुत अच्छी मिठाई है, इसको जरूर बनाइए आप, बहुत लजीज है ये, और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट और अच्छी होती है ये। आप बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।